हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करो स्टार्ट। मैं सुखा फिर से स्वागत है। मैं संकेत बारोड, एक स्टार्टअप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। आप में से कई सारे व्यूअर्स ने बोला कि सर, हमारे पास एक अच्छी प्रोडक्ट है, हमने कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके हमारा बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए और कम पैसों के अंदर किस तरीके से मार्केटिंग की जाए, किस तरीके से ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाया जाए, किस तरीके से उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी बनाई जाए, उसके बारे में बताओ, और किस तरीके से हम कस्टमर तक फ्री के अंदर या फिर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के जरिए पहुंच पाए, उसके बारे में कुछ तरीके बताओ। और ज्यादातर लोगों ने यही कहा था कि सर, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है मार्केटिंग करने के लिए। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं ऐसे 6 तरीके कि किस तरीके से बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के अंदर और कुछ तरीके के अंदर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ेगा और अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकते हो एंड ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हो। सो आज हम उस 6 तरीकों के बारे में इन डिटेल में जानने वाले हैं। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर हम बिजनेस रिलेटेड एंड स्टार्टअप रिलेटेड डेली वीडियोज लाते हैं, बिजनेस एंड स्टार्टअप के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में अगर अभी तक आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आज ही जाके प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करो, वहां पे आपकी सारी क्वेरीज के हम खुद पर्सनली आंसर देते हैं एंड साथ साथ में वहां पे आपको कई सारे मेंटर्स भी मिल जाएंगे जो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे एंड आपको एक अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। तो आज ही प्ले स्टोर पर जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना एंड चलिए जानते हैं उस 6 तरीकों के बारे में। सबसे पहला तरीका है ज्वाइन ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज। अगर आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से सेल करना चाहते हो और साथ में उसकी फ्री के अंदर मार्केटिंग करवाना चाहते हो, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। आपको इसके लिए करना क्या है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के वाइज कौन से एज ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा आपके प्रोडक्ट को परचेज किया जाए उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करो। चाहे वो यंगस्टर लोग हो गए, चाहे वो मिडिल एज के लोग हो गए, चाहे वो ओल्ड एज के लोग हो गए या फिर मिक्स ऑडियंस है, उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करो। उसके बाद क्या करो कि उनके छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, रिलीजन वाइज कुछ ग्रुप होता है, हिंदू के ग्रुप हो गए, मुस्लिम के ग्रुप हो गए, सिख के ग्रुप हो गए, उसके साथ साथ आपकी सरनेम वाइज भी कुछ ग्रुप होंगे, पटेल हो तो पटेल के कुछ ग्रुप्स होते हैं, साथ में ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के भी कुछ ग्रुप्स होते हैं, साथ साथ आपके नेबरहुड के कुछ ग्रुप्स होंगे, साथ में आपके सोसाइटी के कुछ ग्रुप होंगे। इस तरीके से आपको करना क्या है, आपके आसपास जितने भी ज्यादा ग्रुप्स है वो सारे ग्रुप्स के अंदर इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दो और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे बात होती है, तो वहां पे शुरुआत के अंदर वहां पे इन्वॉल्व हो। ऐसा नहीं करना कि जैसे ही ग्रुप्स के अंदर आपको मान लो ज्वाइन किया तो वहां पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, वहां पे अपनी प्रोडक्ट के प्रमोशन करो, ऐसा किया तो तुरंत ही आपको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वहां पे सबसे पहला ये करना है कि इन्वॉल्व होना है उस ग्रुप के अंदर, गेट टुगेदर हो रहे तो वहां पे जाओ, लोगों से मिलो, वहां पे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करो, छोटी छोटी पार्टीज देना स्टार्ट करो और इस तरीके से वहां पे 1-1.5 महीना बहुत ही अच्छा रिलेशन बिल्ड करो। साथ में ये भी नोटिस करो कि ग्रुप को कौन मैनेज करता है, वहां पे किसका इन्फ्लुएंस है, उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाओ और उसके बाद बहुत ही स्लोली स्लोली अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन स्टार्ट करो। वहां पे धीरे धीरे लोगों को बताना स्टार्ट करो कि मैं ये प्रोडक्ट सेल करता हूँ, ये मेरी खुद की प्रोडक्ट है। आप लोगों को कुछ कुछ बार लोगों को कुछ कुछ फ्री में प्रोडक्ट दे दो और उनको बोल दो कि ये प्रोडक्ट है। उस तरीके से आप स्लोली स्लोली अपना फ्री के अंदर मार्केटिंग करवा सकते हो। और ग्रुप्स के अंदर कैसा होता है कि मान लो कोई 1-2 बंदे ने ले ली तो ऑलमोस्ट 60-65% लोग उस ग्रुप के आपकी प्रोडक्ट लेते ही लेते हैं। लेकिन वहां पे आपको ये नहीं दिखाना है कि भाई मुझे आपकी जरूरत है या फिर मैं ग्रुप को इसीलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। वहां पे सबसे पहला काम करना है अच्छे रिलेशन को मेंटेन करना है। इस तरीके से आप फ्री के अंदर अपनी प्रोडक्ट की बहुत ही अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो। दूसरा तरीका है रिलेशन टू रेफरेंस। सबसे इफेक्टिव जो कोई मार्केटिंग है ना तो वो है माउथ पब्लिसिटी वाला मार्केटिंग। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपके रिलेशन में जितने भी लोग हैं, अपने ग्रुप्स के अंदर कुछ रिलेशन बनाए तो उनको पर्सनली मिलने जाओ कि प्रोडक्ट के बारे में उनको बताओ। साथ साथ में शुरुआत के अंदर आपकी प्रोडक्ट कुछ कुछ लोगों को फ्री में देना स्टार्ट करो जिनकी बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस पावर है। साथ साथ में वहां पे उनको हैवी डिस्काउंट दो। ऐसा करना है आपको कि उनको स्पेशल फील हो, उनको पर्टिकुलर अकेले में मिलने जाओ, कभी लंच पे लेकर जाओ। इस तरीके से आपको क्या करना है कि आपके कनेक्शन के अंदर जितने भी लोग हैं, रिलेशन के अंदर जितने भी लोग हैं, उन सबको एक बहुत ही अच्छी स्पेशल हॉस्पिटैलिटी दो, फिर स्पेशल फील करवाओ और उसके बाद आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में उनको थोड़ा थोड़ा बताना स्टार्ट करो और उनको बोलो कि अगर आपके कॉन्टैक्ट के अंदर कोई बंदा है तो उसको बातों बातों में बता देना कि अगर मान लो कोई कॉन्टैक्ट के अंदर बंदा है तो आप पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट को वहां पे रेफर कर सकते हो और साथ साथ में मेरा नाम दे सकते हो, आपको वहां पे कार्ड शेयर कर देना है अपना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट के रेफरेंस किसी और को दे, उसके बारे में वो पर्टिकुलर बंदे को बता सकते हो और वहां पे आपके जितने भी रिलेशन के अंदर लोग हैं उनका यूज कर सकते हो। इस तरीके से होगा क्या कि आपकी जो माउथ पब्लिसिटी है वो बढ़ेगी और जब माउथ पब्लिसिटी बढ़ती है देन डेफिनेटली चांसेस 80-90% बढ़ जाते हैं कि जिसको भी वो पर्टिकुलर बंदे ने रेफर किया है वो बंदा
आपकी प्रोडक्ट परचेस करेगा, और वो जितने ज़्यादा लोगों तक रेफरेंस बढ़ेगा आपका, या फिर जितने ज़्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट को रेफर करेंगे, उतना ही आपकी ब्रांड की अवेयरनेस भी बढ़ेगी एंड ब्रांड की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप फ्री के अंदर मार्केटिंग करवा सकते हो। थोड़ा बहुत आपका खर्चा हो सकता है कि जहाँ पे आप उनको मिलने जाओ, या फिर प्रोडक्ट को थोड़ी बहुत दिन तक फ्री के अंदर उनको अवेलेबल करवाओ, सर्विसेज थोड़ी बहुत दिन तक फ्री में अवेलेबल करवाओ, लेकिन वो करना पड़ेगा, वो एक आपका इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट के जरिए आपकी बहुत ही बड़े लेवल पे मार्केटिंग हो सकती है। तीसरा तरीका है कनेक्ट एंड कोलैबोरेशन। ये तरीके के अंदर क्या करना है कि मान लो आप कोई चार्जर के केबल्स बनाते हो, तो आपको शुरुआत के अंदर क्या करना है कि आपके पर्टिकुलर एरिया के अंदर, आपकी सिटी के अंदर जितने भी मोबाइल शॉप वाले बंदे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बेचते हैं, साथ साथ जितने भी एसेसरीज बेचते हैं मोबाइल के रिलेटेड, ऐसे सारे कॉन्टेक्ट निकालो एंड साथ साथ वो पर्टिकुलर शॉप को विजिट करो। वहां पर जितना हो सके उतना ट्राई करो कि वहां पर एक अच्छा कोलैबोरेशन कर पाओ। वहां पर आपको यह करना है कि आपका जितना कम हो सके खुद का मार्जिन कम रखो, और वहां सामने वाले बंदे को ज्यादा से ज्यादा मार्जिन प्रोवाइड करो, जिसकी वजह से वो वहां पे प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपकी प्रोडक्ट को उसकी शॉप के अंदर सेल करना स्टार्ट करेगा। अब वो शॉप 2 साल, 20 साल, 50 साल से वहां पे ऑलरेडी होगी, जिसकी वजह से उसके रेगुलर कस्टमर हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा वहां पे उसको ज्यादा मार्जिन मिल रहा होगा, जिसकी वजह से वो आपकी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेकमेंड करेगा। और पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपकी प्रोडक्ट ज्यादा रेकमेंड हो रही है, उसका मतलब ये हुआ कि आपकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगी तो आप 1-1.5 साल के बाद फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ऐसे बड़े बड़े मार्केट प्लेस पे अपने प्रोडक्ट को इजिली सेल कर सकते हो। तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस एंड ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए। तो आप 1-1.5 साल तक आपके जितने भी वहां हो सकते हैं उतने कोलैबोरेशन करो, और शुरुआत के अंदर अगर आप मार्जिन नहीं भी रखोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन जैसे जैसे डे बाय डे आपकी प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगी, यानी कि डिमांड बढ़ेगी तो आपको सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, और सप्लाई बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, एंड प्रोडक्शन जितने बड़े स्केल पे होगा उतनी ही उसकी कम कॉस्ट आएगी। और इस तरीके से आप आगे वाले साल के अंदर अपनी बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करके आपकी प्रोडक्ट के वहां पे सेल कर सकते हो एंड इजीली बहुत ही अच्छा खासा पहचान कर सकते हो। लेकिन शुरुआत के अंदर आपको ट्राई करना है कि जितने ज्यादा हो सके कोलैबोरेशन करो। चौथा तरीका है डिस्काउंट, कूपन्स एंड डील्स। अब आपको करना क्या है कि आपकी जब भी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना स्टार्ट करो, तो शुरुआत में हमने देखा होगा काफी सारे लोग टेम्पलेट्स बेचते हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि वो चिल्लर से जो पैम्पलेट लगते हैं वो मार्केट के अंदर सेल करना स्टार्ट करना है, लेकिन आपको क्या करना है कि थोड़े बहुत वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना है, 2-3 हज़ार, 5 हज़ार, और एक बहुत ही अच्छा पैम्पलेट बनाना है, या फिर एक बहुत ही अच्छे पेपर के साथ एक कार्ड शीट बनानी है, जहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको डिस्काउंट, कूपन्स एंड डील्स बनानी है, जिसकी वजह से क्या होगा सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कर दो उसके बारे में पता चल जाएगा, साथ साथ उसके कार्ड के पीछे आपको कोई डिस्काउंट देना है कि आप ये पर्टिकुलर कार्ड के जरिए आपकी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, लेकिन वहाँ पे वो कोड के जरिए उनको एक डिस्काउंट मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप मान लो दिन के 100 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हो एक दिन के अंदर, और उसके अंदर सिर्फ मैं 5 लोगों का मान के चलता हूँ कि 5 लोगों ने भी वो डिस्काउंट कार्ड्स की वजह से या फिर डिस्काउंट कूपन की वजह से आपकी प्रोडक्ट परचेस की, तो एक दिन के 5 सेल वो भी बहुत बड़ी बात होती है अगर आपका बिजनेस शुरुआती या फिर कह सकते हो बिगिनिंग है आपके बिजनेस की। तो इस तरीके से आपको करना है कि वो चिल्लर से टेम्पलेट छपवा के डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाने, आपको करना ये है कि आपके बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ और बहुत ही अच्छे पेपर के अंदर पैम्पलेट या फिर कार्ड छपवाने, और उसको आपको खुद को हैंड ओवर करना है, किसी और को नहीं देना है कि भाई ये लो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर ऐसे ट्रस्टेड बंदे को ही देना है कि वो अच्छी तरीके से आपकी प्रोडक्ट की या फिर कह सकते हो कार्ड की वैल्यू करे एंड वहाँ पे सामने वाले बंदे को दे। तो इस तरीके से क्या होगा कि जितने ज़्यादा कार्ड आप एक दिन के अंदर लोगों को दोगे या फिर लोगों को देने के लिए दोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट की ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी, ब्रांड वैल्यू बनेगी एंड फ्री के अंदर आपका मार्केटिंग होगा। 5-7 हज़ार आपको खर्चना पड़ेगा, लेकिन आपका बहुत ही अच्छे लेवल पर मार्केटिंग होगा। पांचवा तरीका है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, तो शुरुआत के अंदर अपना खुद का पेज क्रिएट कर सकते हो, और वहाँ पे आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं बनाना है, लेकिन बहुत ही अच्छा कंटेंट डेली अपलोड करना स्टार्ट करना है, फैक्ट्स एंड फिगर्स डालने हैं, आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, साथ साथ मार्केट के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मान लो आपकी प्रोडक्ट है जो एक एप्लीकेशन है, जो एजुकेशन एप्लीकेशन है, तो एजुकेशन रिलेटेड फैक्ट्स डाल सकते हो, एजुकेशन की टिप्स डाल सकते हो, स्टडी के रिलेटेड टिप्स डाल सकते हो। इस तरीके से आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ा सकते हो एंड साथ साथ में आपके पेज का ग्रोथ भी कर सकते हो। साथ साथ में आपको क्या करना है, फेसबुक के अंदर डिफरेंट पेज के ग्रुप्स होते हैं, मान लो जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन एप्लीकेशन है तो JEE के कुछ ग्रुप्स हो गए, इंडिया के अंदर IIMs के ग्रुप्स हो गए, साथ साथ में IIT के ग्रुप्स हो गए। इस तरीके से आपको क्या करना है कि जितने ज़्यादा ग्रुप्स हैं या जितने ज़्यादा पेज हैं वो सारे पेज के अंदर इन्वॉल्व हो जाना है, और वहाँ पे डेली कोई ना कोई कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट करना है। वहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगी, लेकिन 5,000, 10,000 बड़े बड़े ऐसे ग्रुप्स होंगे, वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड लोग नोटिस करेंगे और
शुरुआत के अंदर आपको क्या करना है कि जितना हो सके उतना फ्री में दो, जिसके वजह से ज्यादा कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को विजिट करें एंड उस प्रोडक्ट को परचेस करें। यानी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज करके आपकी ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड वैल्यू एंड साथ में प्रोडक्ट की सेलिंग भी बढ़ा सकते हो। साथ में सोशल मीडिया के अंदर आप 80 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए डाल के वहां पे आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन भी करवा सकते हो और अपनी प्रोडक्ट का जो सेलिंग ग्रोथ है वो भी बढ़ा सकते हो। वहां पे आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा और आप शुरुआत के अंदर इसके जरिए बहुत ही इजीली अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। छठा तरीका है, डू सम स्मॉल इवेंट्स एंड चैरिटी वर्क। इस तरीके से आप अपनी खुद की इमेज भी बहुत अच्छी क्रिएट कर सकते हो एंड अपनी प्रोडक्ट की ब्रांड अवेयरनेस एंड ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हो एंड साथ साथ मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट की जो इमेज है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कस्टमर के दिमाग के अंदर बिठा सकते हो। इसके लिए क्या करना है कि मान लो कि एक मंथ के अंदर 10,000 रुपए के सेल हुए, कम से कम 100-200 रुपए के सेल हुए या फिर ज्यादा से ज्यादा 10-20 लाख रुपए के सेल हुए, तो आपको उसका 10-15% इन्वेस्ट करना है छोटे छोटे इवेंट्स कंडक्ट करने के अंदर या फिर छोटे चैरिटी वर्क के अंदर। मान लो कोई संडे आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं वहां पे आपको क्या करना है कि वहां पे जाना है, एक छाता लगाना है, आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड वहां पे जो भी चीज है वो रख देनी है एंड साथ में वहां पे कोई ना कोई चीज फ्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मान लो छोटी छोटी चॉकलेट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, साथ में पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ऐसी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जहां पे कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो भी सेल आया है आपका उसके अंदर से ही कोई अमाउंट आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो। इस तरीके से क्या होगा कि मान लो छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो उनके पेरेंट्स भी आएंगे, आपकी प्रोडक्ट को नोटिस करेंगे, साथ साथ में वहां पे आप उनको डिस्काउंट कूपन, डिस्काउंट डील्स के जो भी हमने कार्ड्स बनाने की आपको मैंने बात की थी उसको हैंड ओवर कर सकते हो, उस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इस तरीके से क्या होगा कि आप मान लो कोई चीज फ्री में देते हो तो कहीं ना कहीं कस्टमर के दिमाग में एक बार तो ये बात आती है कि भाई अगर ये फ्री में दे रहा है मुझे कुछ तो मैं भी उसके लिए कुछ करूं। इसके वजह से क्या होगा कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ेगी एंड फ्री के अंदर बहुत ही अच्छा मार्केटिंग होगा। साथ में मान लो अभी विंटर चल रहा है तो विंटर के अंदर आपने कुछ क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, साथ में कोई ना कोई छोटे मोटे लोग होते हैं उनको खाना देकर आए आप, और ये चीज आप अपने कस्टमर को भी बता सकते हो कि अगर मान लो वो आपकी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चैरिटी वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से कस्टमर के दिमाग में भी आएगा कि कहीं ना कहीं वो आपसे प्रोडक्ट लेते हैं तो कहीं ना कहीं चैरिटी वर्क होता है, यानी अच्छा काम होता है। और ये साथ साथ में अगर मान लो आप ये खुद भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। इस तरीके से क्या होगा कि लोगों को लगेगा कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो एंड साथ साथ में आपके प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो भी बहुत अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट की इमेज है ना कस्टमर के दिमाग में बहुत ही अच्छी क्रिएट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो माउथ पब्लिसिटी होगी वो ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग भी बढ़ेगी एंड उसका फ्री के अंदर मार्केटिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप छोटे छोटे इवेंट्स करके, छोटे छोटे चैरिटी वर्क या डोनेशन करके भी आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस एंड साथ में वैल्यूएशन बढ़ा सकते हो एंड साथ में क्रॉस सेलिंग या अपसेलिंग भी कर सकते हो। इस तरीके से 6 तरीकों के जरिए आप अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ा सकते हो, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकते हो एंड ब्रांड वैल्यू एक बहुत ही अच्छी बना सकते हो। ये 6 तरीके थे जिसके जरिए आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग फ्री के अंदर या फिर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के जरिए कर सकते हो और उसकी ब्रांड अवेयरनेस एंड ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हो। सो कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया जरूर कमेंट से बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड आने वाले डेज के अंदर हम इंडिया के भी कुछ बेहतरीन स्टार्टअप के बारे में वीडियो लाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना जिसके जरिए आने वाले हमारे सारे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जिसकी वजह से आप अपडेटेड रहो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेल।